Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Gurda Pratyaropan ab aur aasan ho gaya hai. Meerut ke Subharti Medical College mein atyadhunik suvidha ke beech yeh suvidha uplabdh karai ja rahi hai. अभी तक गुर्दा प्रत्यारोपण पर 8 से 12 लाख रुपए खर्च आता था, लेकिन सुभारती ने इस खर्च को 4.5 लाख रुपए तक ला दिया है। इस आशय की जानकारी आज सुभारती के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कृष्णा ने मीडिया को दी। देखिए, हमने अभी रिसेंटली अपना सबसे पहला रीनल ट्रांसप्लांट किया है। पेशेंट जो आया था वो बहुत खराब कंडीशन में था। पूरी परमिशन के बाद जब रीनल ट्रांसप्लांट हुआ तो आज की तारीख में मरीज छुट्टी हो रहा है, बिल्कुल सही कंडीशन में। केवल 5 दिन के अंदर जब पेशेंट आया था तो उसकी यूरिया क्रिएटिनिन जो था वो 200 के ऊपर था, और आज क्रिएटिनिन 14 से कम होके सीधे 1 आ गया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमने ये मेरठ में एक और अस्पताल बन गया है जो ये कर रहा है, और अब आज की तारीख में उस रेट पे कर रहे हैं जिस पे रेट अफोर्ड लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज थी पहले ट्रांसप्लांट के लिए परमिशन। हर अस्पताल को परमिशन मिलना मुश्किल होती है, सरकार के से परमिशन लेना, उनके इंस्पेक्शन कराना और ये चीज को वो करना कि आपकी जो सुविधाएं हैं वो किसी भी स्टैंडर्ड से कंपेरेबल हैं, ये सबसे जरूरी चीज थी। दूसरा, गुर्दे को जो बंदा ट्रांसप्लांट देगा, जो अपना गुर्दा देगा, उसकी परमिशन सरकार के पास से आनी चाहिए। और तीसरा, वो पूरी टीम होनी डॉक्टर्स की जो उस ट्रांसप्लांट को अच्छे से कर पाए और उसके बाद भी मरीज को वो सारी सुविधाएं लंबे समय तक दे पाए। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन कर दिया और अब हमारा हाथ पीछे हो गया, तो मरीज को लंबे समय तक साथ देना, तो ये तीनों चीजों को मेंटेन करना ये सबसे बड़ा इशू था, लेकिन ये बहुत अच्छे से संभव हो गया और आगे भी अब हम ट्रांसप्लांट करते रहेंगे। इससे ज्यादा आप फॉर्मेलिटी पूरी होने का उतना समय नहीं है आज की, मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ, फॉर्मेलिटी की स्थिति नहीं है। ज्यादातर लोग का इसलिए रुका है क्योंकि या तो वो गवर्नमेंट में कराना चाह रहे हैं तो वहां पर समय नहीं मिल रहा उनको, या वो प्राइवेट में कराना चाह रहे हैं तो उतना बजट नहीं अरेंज कर पा रहे, इस वजह से लंबे समय तक लोग रुके हुए हैं। हम एक ऐसा सोल्यूशन लाए हैं कि हम प्राइवेट टाइप की स्टैंडर्ड सुविधा एक अच्छे रेट में लोगों को दे पाएंगे। आयुष्मान में किडनी ट्रांसप्लांट आता है, अगर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड काम कर रहा है तो 100% फ्री में काम हो जाएगा उसका। सिंपल, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट होते हैं, पेशेंट की कंडीशन खराब थी, उसके पास डोनर था, वो कराना चाहता था, उसके पास किसी और अस्पताल में वो चीज कराने के बजट नहीं था, वो हमारे पास आया, हमने उसका उस अमाउंट में जितना वो दे सकता था उसका रीनल ट्रांसप्लांट कर दिया। सरकारी नियम कुछ कड़े होते हैं कि ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं हो सकता, होने भी चाहिए, तो उसमें आपकी संस्थान द्वारा क्या उसमें रियायत है? नहीं, कोई रियायत नहीं हो सकती उन नियमों में और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को मैं इनको जोर जबरदस्ती करके इनके गुर्दा ले सकता हूं, तो सरकार के जो नियम है वो बहुत अच्छे बने हुए हैं और उन्हीं मापदंडों के अंदर रहते हुए ट्रांसप्लांट होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है और मरीज के साथ जिंदगी भर के लिए रहना का है। तो हर अस्पताल को नहीं, केवल जो कर सकते हैं उन्हीं को परमिशन मिलनी चाहिए, जो किडनी मिल सकती उसी को मिलनी चाहिए, नहीं तो इसमें बड़ा गलत काम भी होता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। हमने जब इनकी एप्लीकेशन डाली थी, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें परमिशन मिल गई थी, सारे मरीजों को, डॉक्टर्स को उन्होंने डीएम ऑफिस में बुलाया, उनसे पूछताछ हुई, सारी चीज हुई और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद एक हफ्ते के अंदर परमिशन दे दी, बहुत समय नहीं लगता है। सर, किडनी ट्रांसप्लांट में अपने यहाँ कितना लगभग खर्चा आएगा अगर कोई मरीज आता है? आप ये मान के चलिए कि कम से कम सब चीज मिला के उसको 4 से 4.5 लाख के आसपास आएगा। इसमें दोनों ऑपरेशन मिले हुए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में दोनों जो मरीज हैं, देने वाला और लेने वाला, मरीज हो गया, एक डोनर हो गया, उनकी दवाइयां कितने समय तक चलती है सर? जो व्यक्ति किडनी दे रहा है उसके लिए किसी भी और ऑपरेशन के लिए तीसरे दिन के आगे उसे कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति किडनी ले रहा है, जो पहले से मरीज था, उसकी जो दवा है वो जीवन भर चलेगी, क्योंकि ये जो गुर्दा है ये उसका अपना गुर्दा नहीं है, ऊपर वाले ने किसी और के लिए बनाया था, अब मेरे को मिल गया है, तो शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा सा शांत रखने के लिए दवा, एक दवा, दो दवा जीवन भर चलती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।